नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे वैकेंसियाँ कितनी खाली है, ठीक, ये बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, सर क्या वैकेंसी खाली है? अगर खाली होगी तभी आएगी, ये तो पता ही है। वैकेंसी नहीं आएगी या नहीं आएगी उसके बाद हम बात में करते हैं। अगर वैकेंसी खाली है तो आने की संभावना पूरी पूरी हो जाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या करता है, वो चाहता है ये भी उसके पास एम्प्लॉय हो, मैन पावर इतनी हो, ताकि वो क्या करे, अपने कार्य को बहुत सुचारू रूप से चला सके। तो आज आपके सामने वो यूएच और डीएच का डाटा पेश करने जा रहे हैं, जितनी वैकेंसी खाली है भी, कितनी वैकेंसियाँ खाली है, एलम की कितनी है, एसए की कितनी है, ये सारी वैकेंसियाँ कितनी कितनी कहाँ पर खाली है, लाइनमैन की होगी और जेई की वैकेंसी खाली कितनी है, ठीक है, ऑफिशियल है पूरा का पूरा, जो आपका सिग्नेचर दिखाएंगे कोई दिक्कत है नहीं। तो वैकेंसी आएगी ना आएगी उसकी बात तो हो जाएगी बाद में, लेकिन पहले उत्सुकता बनी रहती है वैकेंसियाँ कितनी खाली। अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखो एक ऑफिशियल है, ठीक है, इसके अंदर है UHVBN की वैकेंसी है, इसमें आप पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं पढ़ समझ में आता तो मैं उधर लिख रखा है मैंने। कुछ वैकेंसियां ऐसी होती है जो प्रमोशन के आधार पर भरी जाती है, लेकिन लाइनमैन की वैकेंसी होगी एएलएम की। एएलएम की अगर वैकेंसी की बात जब करते हैं तो वो प्रमोशन के आधार पर नहीं भरी जाती है, और नहीं एसए की वैकेंसी प्रमोशन के आधार पर भरी जाती है। एएसएसए के बाद में आपका अलग अलग प्रकार की वैकेंसी है, फोरमैन ये सीधी डायरेक्ट नहीं होती है, प्रमोशन से भरी जाती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखो एक एक चीज़ दिखाई गई है। अब प्रमोट होने पर यहाँ पर जैसे ही क्या होगा, एसए की और वैकेंसियाँ खाली हो जाएगी और एएलएम की वैकेंसियाँ भी खाली हो जाएगी, और रिटायरमेंट भी होने वाले हैं 2024 के अंदर भी होंगे और 2025 के अंदर भी होंगे, और 2026 के अंदर तो एकदम से डिपार्टमेंट सारे खाली होने जा रहे हैं, क्योंकि 2026-27 के अंदर बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट है। आप अपने ऑफिस में अपने भाई से कोई भी लगा हुआ है उनसे पूछ लेना एक बार, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी बात करता हूँ, यूएच की, तो यूएच में जेई की वैकेंसी जो है जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से भरी जानी है वो 231 खाली है इसके अनुसार, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर देख लो 7/8/2024 का, यानी नई वैकेंसी नए जो बच्चे थे उनको ज्वाइन करवाने के बाद ये डाटा है 7/8/2024 का, ठीक है, यानी कब का है, ज्वाइनिंग होने के बाद। अब एएलएम की वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी है खाली पड़ी आपकी 2230 यूएच में, और 132 पोस्ट एसए की पोस्ट कम है यूएच के अंदर खाली अभी हाल फिलहाल, क्योंकि अभी ज़्यादा एसए लिए गए हैं, रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई है वहाँ पर। तो ये टोटल पोस्ट आपकी लगभग मान के चलो अभी 200 और 300 ये 2500-2600 पोस्ट है जो खाली पड़ी है, यानी ये तो पोस्ट अलग होगी और ये पोस्ट अलग, ये डिप्लोमा वाले बीटेक वालों के लिए और ये सभी के लिए, आईटी वालों से स्टार्ट होती है। रिक्वायरमेंट क्या क्वालिफिकेशन है लास्ट टाइम बता दूंगा, वीडियो को ध्यान से देख लेना, ठीक है। 31/3/2024 का डाटा है, फरवरी के अंदर ज्वाइन करवा दिए गए थे लाइनमैन और एसए डीएच के अंदर भी। तो डीएच की बात करता हूं मैं यहां पर, किसकी बात करें, डीएच की बात करें, सर जी पक्का, ये देखो डीएच की जब बात करते हैं, डीएचवीपीएन की, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम जो है, यानी उसके अंदर जेई की पोस्ट 280 है, ठीक है। और एएलएम की बात करें तो 4364 पोस्ट है, और एसए की बात करें, क्योंकि अब की बार डीएच के अंदर वैकेंसी आई थी कम, डीएच के अंदर वैकेंसी क्या आई थी, कम आई थी, तो ये देख लो भाई 5, 45, 48 यानी लगभग 5000 के करीब करीब आपकी वैकेंसी यहां पर खाली है। तो डीएच और यूएच में 5, और उधर कितनी थी देखो, ये हो गई आपकी 2200-2300, 5 और 2300 कितनी होगी टोटल, इतनी वैकेंसियां खाली पड़ी है। यानी इनमें से कितनी वैकेंसी आ सकती है सर, अगर मैं कहूं तो टोटल तो नहीं भरी जाएगी भाई, ठीक है, टोटल तो नहीं भरी जाएगी, क्योंकि हर साल वैकेंसी निकालें, अगर अपने को इनमें से आधी वैकेंसी भी दे दें तो 3,000-3500 के करीब आ सकती है। और वैकेंसी तो कितनी भी आ सकती है, वो इस पर डिपेंड करता है भी कितने प्रमोशन होंगे, एलम से एलएम भी बनेंगे, लेकिन टोटल नहीं भरी जाती सारी की सारी, एकदम से भर देंगे तो आने वाले बच्चों को तो फिर क्या हाथ लगेगा, उनका तो प्रेरणा ही नहीं रहेगी भी, करें तो करें क्या, फ़ायदा क्या है करने का, ठीक। अगर आप डीएच यूएच में आपको लगता है भी इतनी वैकेंसियां खाली है, और इस सीटी के या बिना सीटी के आधार पे, अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया, अभी सीटी के आधार पे आएगी, बिना सीटी के आधार पे, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ भी अब तैयारी करें तो कैसे करें और किस तरीके से करें, क्या क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, और बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट पढ़ें ताकि हमारा सलेक्शन हो जाए, ठीक है। पहली बात तो मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, तो
एलम के लिए क्वालिफिकेशन होती है, वो ध्यान से सुन लेना, लिखूंगा नहीं मैं। एलम के लिए क्वालिफिकेशन होती है इसके अंदर। अगर मैं बात करूं डीएच की, तो डीएच के अंदर, एलम के अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो है इलेक्ट्रीशियन वायरमैन वोकेशनल आईटीआई होनी चाहिए। वोकेशनल हो चाहे इलेक्ट्रीशियन से हो, चाहे वायरमैन से हो, चाहे लाइनमैन से हो, अदर स्टेट से हो। तो उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एलम की, तो आपके पास डिप्लोमा है तो भी चलेगा इलेक्ट्रिकल से, और आपके पास बीटेक है तो भी चलेगी, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद जब मैं एसए की बात करता हूँ, तो एसए के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रीशियन वाले, वायरमैन वाले, लाइनमैन वाले और बीटेक डिप्लोमा वाले सारे वैलिड है। एक्सपीरियंस की आवश्यकता ही नहीं है, दोनों के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई अप्रेंटिसशिप नहीं चाहिए। ये आईटी बेस पे है, यानी आईटीआई आपकी पास होनी चाहिए, और टेंथ के अंदर आपके पास हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना है जिसमें आप पास होने चाहिए, ये बस क्वालिफिकेशन है। ठीक है, डिप्लोमा में नई रिक्वायरमेंट और नई अमेंडमेंट के आधार पे आपके डिप्लोमा में या आईटीआई में या बीटेक के अंदर जो कैटेगरी से बिलोंग करता है एससी से, वो 50% और बाकियों के लिए 55% नंबर होने ज़रूरी है। ये क्वालिफिकेशन है यहाँ की। जब मैं यूएचबीवीएन की बात करता हूँ, तो सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर है। ठीक है, अब बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? तो वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर वैकेंसी है। अभी एक अमेंडमेंट हुआ है, अगर वो लागू हो गया तो सभी के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एचवीपीएन में लाइनमैन और एसए दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, और बाकी सारे के सारे जो बताए हैं डीएच में, ठीक है। बाकी एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, उस पर आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसके बाद वैकेंसी कहाँ और आती है जी? पीडब्ल्यूडी में आती है जी। कहाँ आती है? पीडब्ल्यू, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर भी आती है। डब्ल्यूपीओ की वैकेंसी आ सकती है अब की बार, ठीक है। और एचवीपीएन के अंदर जीएसओ की वैकेंसी भी आती है। तो डब्ल्यूपीओ की वैकेंसी में इलेक्ट्रीशियन आता है, और बाकी डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन आते हैं, तो उनके अंदर भी वैकेंसियाँ खाली है, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ से भी वैकेंसियाँ आएगी, इलेक्ट्रीशियन की भी आएगी, पीडब्ल्यूडी के अंदर भी आएगी आपकी, और हो सकता है आपके पास डब्ल्यूपीओ की अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। अभी तक इसका कोई डाटा आया नहीं है, लेकिन वो जो पहले डब्ल्यूपीओ थे, इतना पता है उनका, उनको प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अब तैयारी कैसे करें? अगर आप इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है जी? इलेक्ट्रीशियन आता है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन आता है। अगर सीटी के अंदर आ गई और सीटी से बाहर आ गई, दोनों की एक साथ तैयारी कैसे करें, वो चीज़ें मैं दोनों एक साथ बताने वाला हूँ। हो सकता है कम चांस है सिटी में आ जाए, अगर सिटी में आ भी जाए तो आपको तैयारी उसकी भी रखनी पड़ेगी। मैं कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करता, मैं ये कह दूं भी हाँ ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, भाई दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलनी पड़ेगी, हमारी मजबूरी है और आपका फ़ायदा भी है। क्योंकि दोनों चीज़ें लेके सिटी की तैयारी करोगे तो इस वैकेंसियों के लिए तो करो ही करोगे, लेकिन दूसरी वैकेंसियाँ भी तो आएगी, उनके लिए भी तो आपको पेपर देना है। तो मैं बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करता। अपने को कितना टाइम चाहिए सर इस कोर्स को पूरा करने में, या इलेक्ट्रीशियन के लिए कितना? मुझे दे दो 2 से 3 घंटे मैक्सिमम, ठीक है ना। जब टाइम बढ़ाना होगा मैं बता दूंगा, 2 से 3 घंटे लगाओ और स्मूथली आपका क्लियर हो जाएगा सारा सिस्टम। जितना पढ़ा रखा है ना उतना कर लेना, बेड़ा पार है भाई, उसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको सारे के सारे। कारण आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है, नए बच्चे उनके लिए बता देता हूँ, प्ले स्टोर पर जाना है, टेक कैप्सूल लिखना है, और वहाँ पर टेक कैप्सूल ऐप को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है भाई। क्या कर लेना है? डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड करने के बाद कुछ आपको मांगेंगे, जैसे आपका सिटी कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा है, आपके नंबर कौन से, आपके जीमेल है वगैरह करके आप इसको साइन अप कर लेंगे, और उसके बाद एक नंबर से क्या होगा, लॉगिन होगा, ओटीपी आके लॉगिन हो जाएगा। उसके ऊपर मिलेगा ऐसा आपको पोस्टर मिलेगा जिसमें शक्ति बैच का, जिसके अंदर आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी मिलेगी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, इतना जितना करवा रखा ना उतना करने लगा, बेड़ा पार हो जाएगा, लाइफ होने वाली है झींगा लाला। ठीक है, उसके बाद 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, तीसरी बात अगर बात करें तो 15 फुल मॉक टेस्ट भी हैं, और क्या बच्चे की जान लोगे बताइए। ई क्लास नोट्स फॉर रिवीजन, यानी इसके साथ में आपको जो क्लास में पढ़ाया जाएगा इसके साथ में आपको पीडीएफ में मिलेगी, यानी पीडीएफ फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऐप में रहेगा। मैं स्पष्ट कह देता हूँ, आधी बात कहने से क्या होगा, आपके दिमाग में ये रहता है भाई ये डाउनलोड करके मैं प्रिंट निकलवा लूँगा, बिल्कुल नहीं निकलवा सकते भाई, ये ऐप के अंदर रहेंगे, आप मोबाइल या लैपटॉप में पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, नोट्स अपने खुद के बनाए। अगर आपको सफलता चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे, दूसरों के भरोसे या मेरे नोट्स या किसी के नोट्स आपके रिवीजन करने के लिए काम नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते, रियलिटी है। नहीं तो पछताओगे, पिछली बार भी बहुत बच्चे पछता रहे थे और आप भी पछताओगे, आपको पछताना नहीं है।
तो आप चाहे थोड़ा कर लो एक दिन में, लेकिन अपने नोट्स के साथ करो, अपना को पेप जो पेपर और पेन लेके बैठो भाई, जब भी याद करो ना कुछ भी, ठीक है। अगर इसके लिए कूपन कोड चल रहा है, अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो कूपन कोड, ये कूपन कोड आप लगा सकते हो, शक्ति कूपन कोड, जैसे लगाओगे डिस्काउंट मिल जाएगा बहुत अच्छा खासा, और ये चीज़ें है ना फ्री जैसी हो जाएगी। यानी जियो का रिचार्ज करा लिया ऐसे मान लो, और उसके बाद आपने पूरी लाइफ का रिचार्ज करवा लिया, 40-45 हज़ार के आदमी बन जाओगे और मौज करोगे। इसके साथ में क्या पढ़े सर, ठीक है, या इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूं तो अच्छा रहेगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। शक्ति बैच है, ठीक है, ये आपकी 70% थ्योरी कवर करेगा पूरी की पूरी, ठीक है, 70% थ्योरी पूरी कवर करेगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन आती है 70 नंबर की। क्या क्या आता है जी, मैं दोनों को कॉमन करके बता देता हूँ। अब वो बच्चे अपने साथ जुड़े हैं जो नए हैं, जिनको पता नहीं है सीईटी के अंदर किस सब्जेक्ट को पढ़े या इसके लिए कौन से सब्जेक्ट पढ़े, तो मैं आपको ध्यान से सुन लेना, 5-4 मिनट और लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास टाइम है, ठीक है। आप ज़्यादा बिजी हो तो कह नहीं सकता, बल्कि हम तो फ्री हैं, ठीक है, और मेरे हिसाब से आपसे ज़्यादा मैं बिजी होगा, उसका कारण है नौकरी भी करते हैं भाई। लो जी, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट लगा लेते हैं, फिर भी एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें मज़े से पढ़ेंगे। एक तो अगर ये भर्ती सीईटी के अंदर आती है तो क्या पढ़ना है, सीईटी के लिए आपको पढ़ना है सबसे प्यारा सब्जेक्ट आपका मैथ, दूसरा है आपका रीजनिंग, ठीक है। पढ़ना क्या है जी, कौन सा है, रीजनिंग। तीसरा सब्जेक्ट आपका हरियाणा जीके, कौन सी जीके, हरियाणा जीके। चौथा सब्जेक्ट आपका इंडिया जीके, ठीक है। पांचवा सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो कॉमन ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश का क्या होगा आपके बार पता नहीं, ये कॉमन सब्जेक्ट है। इंडिया जीके के अंदर भी आपकी पॉलिटी है, मेन सब्जेक्ट है पॉलिटी, आपकी ज्योग्राफी है, ठीक है ना, हिस्ट्री है, क्या है, हिस्ट्री है, ये सब्जेक्ट हैं जो कॉमन है। इकोनॉमिक्स वगैरह तो कमी पूछी जाती है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये चीज़ें पूछी जाती है। इसके अंदर आपके साइंस हो गई, साइंस के अंदर भी 3 पोर्शन होते हैं, एक बायोलॉजी हो गई और एक फिजिक्स हो गई और एक केमिस्ट्री हो गई, तो ये चीज़ें पूछी जाती है इंडिया जीके के अंदर, बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट, ठीक है, सीईटी के अंदर भी आएंगे। और अगर आप लाइनमैन का पेपर देते हो, मान लो एलम का पेपर देते हो, सेकंड पेपर देते हो, कोई भी पेपर देते हो, तो एलम एसए के लिए या जेई के लिए, तो उसके अंदर मैथ भी आएगा, बोले ठीक है, उसमें रीजनिंग भी आएगी, बोले जी ठीक है, ठीक। तीसरा आपका मैथ रीजनिंग, उसके बाद इंडिया जीके भी आएगी, बोले जी ठीक है, उसके बाद हरियाणा जीके भी आएगी, बोले जी ठीक है, और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर भी आएगा, बोले जी ठीक है, ये आएगा 10 नंबर का, ये टोटल आएंगे 20 नंबर के, और उसके बाद आएगा इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी, वो आएगी 70 नंबर की, टोटल हो गए 100 क्वेश्चन, क्लियर है, इधर भी 100 आएंगे। तो इसमें से कॉमन क्या है जी, पढ़ना तो इसके लिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। मैं कहता हूँ आप है ना, इस सब्जेक्ट इतने है ना, ये भारी है, ये कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। इसके लिए आप मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी 2 से 3 घंटे दे दो, ठीक है, और बाकी सब्जेक्टों पे पूरा जितना टाइम आपको मिलता है वो लगाइए, समझ में आ रही है बात भी। मेरे को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 से 3 घंटे में आपका, आप महीने, दो महीने में तो आराम से कवर कर पाओगे, अगर 3 घंटे लगाते हो ना 2 महीने में ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी लेंथी होती है, तो यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर करें आप, ठीक है ना, ये यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इनके लिए आप 6 से 7 घंटे लगाएं, 6 से 7 घंटे, 10 से 12 घंटे अगर आप तैयारी करते हैं तो 6 से 7 घंटे इनके लिए लगाएं, यानी ये सेम ही है, सेम 7 घंटे, और मेरे को चाहिए 2 से 3 घंटे इलेक्ट्रीशियन के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है नहीं, पोर्शन ज़्यादा है, 70% है, लेकिन लेंथी नहीं है, लेकिन ये लेंथी है सारे के सारे, तो इन पे भी लगाएं, ताकि हमारी दोनों की तैयारी एक साथ हो जाए, सीटी के अंदर आए तो भी हम तोड़ दें मरोड़ दें, और सीटी से बाहर आए तो भी हम तोड़ दें मरोड़ दें, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। वैकेंसी आएगी, कल आएगी जी, परसों आएगी जी, कहाँ आएगी, कब आएगी, वैकेंसी आएगी, लेकिन
कब आएगी वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखें ताकि आपको आगे आने वाले समय में परेशानी न हो भी, इधर से सीटी भी आ गया, इधर से वैकेंसी भी आ गई, और वैकेंसी जब सीटी मान लो हो गया, सीटी होने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको अब की बार, क्योंकि हर साल सीटी करवाने के कह रहे हैं और हर साल आपको क्या कह रहे हैं भी जल्दी से जल्दी पेपर निपटाएंगे। अब की बार केस कबाड़े वाला सिस्टम मेरे को नहीं लगता भी होगा, क्योंकि चेयरमैन साहब अब क्या है डबल एजी रहे हुए हैं और एक बहुत अच्छे वकील एडवोकेट भी रहे हुए हैं, तो मेरे को नहीं लगता भी अब की बार कोर्ट के अंदर वैकेंसियाँ जाएगी। तो आप अपना बढ़िया तरीके से अपना स्टार्ट कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आज के लिए आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अलग अलग बच्चों की अलग अलग थिंकिंग होती है, पोस्टें मैंने आपको बताई दी भी कितनी कितनी कहां पर खाली है और कितनी इनमें से निकाली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कॉमेंट करें और ज़रूर लाइक करें, जो भी अपने से पढ़े हैं और पुरानी वैकेंसी जिसमें भी सिलेक्ट हुए हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं भी आप किस तरीके से कहां से पढ़े थे और कैसे आपकी तैयारी की गई थी, आप हमसे जुड़े थे, आपको क्या फ़ायदा हुआ था, ये चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट के अंदर। और बाकी नीचे मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वो ज्वाइन कर लेना जितने भी नए बच्चे हैं, और नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा सके। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी और बहुत बेहतरीन तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।